आज दौर में सोनी टीवी के शो मेरे डैड की दुल्हन की स्टार कास्ट श्वेता तिवारी जो कि शो में एज अ गुणित सिक्का दिखेंगी, वरुण बडोल जो कि अंबर शर्मा का किरदार निभा रहे हैं, वहीं अंजलि तत्रारी जो निया शर्मा का रोल कर रही हैं। इनसे हमने जानी शो से जुड़ी कुछ बातें, तो चलिए आपको ले चलते हैं इसकी कुछ झलकियों की ओर। हमें हम निया से जानना चाहेंगे जो कि अंजलि तत्रारी इस किरदार को प्ले कर रही हैं कि क्या इस एज में आप इतने वो खुद भी एक सिंगल पेरेंट की बेटी है तो इस एज में क्या ऐसे कोई एज टैबू ये है टैबू होता है या कोई स्पेसिफिक एज होती है कोई प्यार करने की? आई डोंट थिंक एज सो हाय आई डोंट थिंक एज एक बैरियर होता है। लाइक आई माई सेल्फ एम अ डॉटर ऑफ अ सिंगल पेरेंट एंड एट एनी गिवन पॉइंट अगर माई मॉम फील्स दैट शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड मूव ऑन आई थिंक आई फुल ऑन सपोर्ट हर क्योंकि एज शुडंट बी अ बैरियर। क्योंकि अगर कंपेनियन की जरूरत है तो जरूरत है, इट कांट बी कि एक पर्टिकुलर एज में ही कंपेनियन की जरूरत पड़ सकती है। लाइक मैं शो में भी आई फील काफी टाइम बाद मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि आई कांट यू नो सफाइस ऑल द नीड्स ऑफ माई डैड, तो आई फील कि उनको एक कंपेनियन की जरूरत है, तो इट कैन बी एट एनी एनी गिवन एज, देयर इज नो पर्टिकुलर एज फॉर दैट। थैंक यू। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपेनियन जो है वो कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी परेशानी है कि जैसे कुछ देर पहले श्वेता किसी से बात कर रही थी, उन्होंने पॉइंट उठाया कि आप को अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसका एक बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन सबके सब सोचते हैं कि शादी करनी जरूरी है। दोस्ती जो है अपने आप में एक बहुत बेहतरीन इमोशन है और उस चीज को हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि ओवरलुक करते हैं, दरकिनार कर देते हैं। कंपेनियनशिप का मतलब ये होता है कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बैठ के बात कर सके, आप अपना वक्त बिता सके। और कई मामलों में तो ऐसा होता है कि मतलब मैंने ऐसे खुद दो दोस्त देखे हैं जिनका कि हर शाम को मिलना जरूरी है, अब चाहे मतलब आंधी आंधी आ जाए तूफान आ जाए। तो उसी तरीके से अपनी उम्रदार लोगों के साथ अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठना उनसे बातें करना वो एक अलग बात होती है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको अपने उम्र वालों के साथ ही शेयर करनी होती है और उसके लिए किसी का होना जरूरी है, वरना एक कुंठा सी पैदा होने लगती है इंसान के अंदर और आप फिर अपनी ही पर्सनालिटी के बोझ के तले दबते चले जाते हैं, आप फिर इरिटेबल भी होते हैं, फिर आप जिसको सही मानों में कहा जाए कि खड़ूस हो जाते हैं जो कि ये कैरेक्टर है। तो जब वो लेट आउट जो है बंद हो जाता है इंसान का तो पर्सनालिटी चेंजेस आने लगते हैं। और मेरे ख्याल से अगर जिंदगी जीने की कोई उम्र नहीं है तो फिर प्यार करने की या फिर कंपेनियनशिप की भी उम्र क्यों हो। तो लेकिन वही अभी भी मुझे लगता है हमारी हमारे समाज में अभी वक्त है ये बदलाव पूरी तरीके से आने में, लेकिन शुरुआत तो देखी जा रही है, कम से कम एक चेंज तो नजर आना शुरू हुआ है। बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि आजकल के लोग जो है ना वो हमेशा से वही फिल्मों में देखकर जो सीखते आए हैं कि प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है और जवानी के चार दिन होते हैं जिसमें प्यार होता है उसी में प्यार कर ले, पर ये सच नहीं है। प्यार हमेशा से होता है, हर किसी को हर उम्र में होता है और प्यार सिर्फ वही थोड़ी है जो एक लड़के को लड़की से होता है या लड़की को लड़के से होता है। प्यार प्यार है, हम प्यार को ठीक से समझ ही नहीं पाते। प्यार किया तो उसके उसके दिल में इस लड़की को लेके कुछ गलत वो होगा या फिर ये इस लड़की को उसका पैसा दिखा होगा या उसको इसका पैसा दिखा होगा, इसमें ही हम लुढ़ते बुढ़ते रह जाते हैं, पर ये नहीं है। बेसिकली प्यार वो है अगर मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं इसकी अच्छाई चाहती हूँ, ये कुछ भी करे मैं ये कहूंगी बहन यहां मत कूदो गिर जाओगी, वो फिर भी कूद जाएगी तो मैं कहूंगी अच्छा हाँ तो बाहर निकालो। ये है प्यार कि आप अपने प्यार करने वालों को अवेयर करते हैं कि ये गलत है मत करो, वो फिर भी करते हैं तो फिर भी आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। वो है प्यार जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं और एक ऐसा साथी जिसे शादी करके आप लाइफ में लेकर आते हैं वो भी तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका
जो कंपेनियन है वो उससे प्यार हो सकता है, और बेस्ट फ्रेंड पाने का, एक साथी पाने की जब कोई उम्र नहीं है तो एक ऑपोजिट सेक्स का साथी पाने में क्यों उम्र होनी चाहिए? आई थिंक पीपल आर चेंजिंग एंड दे विल ऑफ कोर्स चेंज। क्या आपको कोई सवाल है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका और श्वेता का इस ड्रामे में रिलेशनशिप रहेगी या आगे क्या होने वाला? अगर अभी बता दिया सर उन्होंने तो कल से टीआरपी नहीं आएगी। तो रिलेशनशिप आप तो छापोगे? नहीं नहीं, बता दिया तो बाद में मुझे पता हो तो मैं आपको बताऊँ। देखिए रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली मतलब फिर शो बनी क्यों रहा है अगर दोनों के बीच में जो है किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं बनने वाला, तो वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या मोड़ आएंगे, ये इस बारे में अभी कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि कहानी वहां तक सोची नहीं गई है उस तरीके से। अभी अभी कोई बता रहा था कि कल दालचीनी वाला जो हुआ था टेलीकास्ट हुआ था वो हमने परसों शूट किया था और कल उसकी इसने डबिंग भी की थी, तो हम ऐसे कट टू कट चल रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता कि चार दिन बाद क्या आने वाला है, बाकी का क्या बता सकते हैं आपको? बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं और टेंशन अभी भी आपके ड्रामे में निया को बरकरार है, अमेरिका के जाने के बाद भी अभी तक बरकरार है उसको टेंशन, इसी पर्पस को लेके मैंने पूछा कि टेंशन कितने प्रतिशत हल होने वाला। जिंदगी की कोई टेंशन कभी 100% हल नहीं होती, तो सीरियल की कहानी पढ़ रही है, इनफैक्ट शुरू हो चुकी है। अब पिछले कुछ एक एपिसोड अगर आपने देखे होंगे धारावाहिक के, तो कहानी उस तरफ अग्रसर तो हो ही गई है और कहीं ना कहीं जाकर उसको अपने लॉजिकल एंड पे भी पहुंचना होगा, लेकिन हाँ उस चीज में अभी वक्त है, अभी इतने सारे और आयाम है इस रिश्ते के जो कि हम लोगों को अभी छूने बाकी है और अभी तो शुरुआत से। तो नहीं, जाहिर है कि कहानी वहां तक पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, लेकिन वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी ये अभी उस बारे में तय होना। लंबे समय बाद आप छोटे पर्दे पर वापसी की, सर ये तो मैं हर इंटरव्यू में हर जगह यही बोलती हूँ, मैंने 3 साल का सबैटिकल लिया था, 3 साल इसलिए क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा था, पहली बार जब मेरी बच्ची, जब मैं माँ बनी थी मैं बहुत छोटी उम्र की थी, आई हैड जस्ट कंप्लीटेड 18 और 19 में मेरी बेबी आ गई थी, एंड दैट टाइम माय करियर हैड आल्सो स्टार्टेड, तो मैं इतनी ज्यादा बिजी थी, शी वाज 3 मंथ्स और सो कुछ ऐसे थी कि मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैं उसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाई, अपना दूध मैं अपने शूटिंग के बेसिन में निकाला करती थी, तब इतना नाम भी नहीं था कि अपने बच्चे को अपने सेट पे ले जाऊं और उससे टाइम स्पेंड कर पाऊं, तब इतने घंटे शूट होते थे कि बच्चे को ले जाना मतलब उस पर टॉर्चर करने के बराबर था। सो दिस टाइम आई हैड डिसाइडेड इफ आई हैव अ बेबी I am going to give complete time to the baby, जब तक वो खुद खड़ा होकर ये ना बोल सके कि मुझे भूख लगी है या यू नो मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये चाहिए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, चोट लगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगी चाहे जो भी हो जाए। तो 3 साल बहुत होता है बच्चे को ये सब बोलते रहना, मेरा बच्चा बहुत टाउ कितने का, 3 साल तक मैंने ब्रेक लिया था, उसके बाद काम करने वापस आ गई। सवाल आपसे शुरू से आपका, पिछले दिनों जेएनयू में दीपिका पादुकोण पहुंची थी, जिस तरीके से माहौल देश का था, कैसे ये देखती है आप इन तमाम चीजों को, एक अभिनेत्री वहां पहुंचती है और सपोर्ट यहां पर सीए के विरोध में जो लोग आ रहे हैं? देखिए पता है उनका क्या थिंकिंग था, वो क्यों गई, वो जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, पहले हम यहाँ पे जेएनयू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज इफ यू कैन सी इट्स सोनी एंटरटेनमेंट चैनल एंड दिस इज मेरे डैड की दुल्हन। मैं अभिनेत्री नहीं, मैं इंसान की तरह सोचती हूँ, ये सोचती हूँ कि वो एज अ इंसान एज अ पर्सन, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, आपको चाय अच्छी लगती है, मुझे कॉफी अच्छी लगती है, या मुझे जूस अच्छा लगता है, आपको ड्रिंक अच्छा लगता है, मैं दारू नहीं पीती, मुझे लगता है अगर आप दारू पीते हैं तो बहुत बुरे इंसान है, सबकी अपनी थिंकिंग है, पर जरूरी नहीं ना कि अगर आप शराब पीते हैं तो बुरे इंसान है, उसे वो ठीक लगा वो गई। पहले तो आप बोलते हो कि अगर नहीं जाओ तो 50 लोग और कहते हो कि तुम गई नहीं, तुम गई नहीं, वहां इतने लोग मर गए, एक एक्ट्रेस वीडियो बना बना के रोए जा रही है, दूसरी एक्ट्रेस करने चली गई, 4 और हैं जो पोज कर रहे हैं, क्यों मतलब व्हाई टू मेक सच, उसको जाना था वो गई, ठीक है गई, उसकी थिंकिंग थी, हुआ तो उसी के देश में था, किया किसी ने भी, अपने देश में अगर किसी को चोट लगी उसे उसका मन था जाने का तो वो चली गई,
मैं नहीं गई, आपने मुझसे, अगर मैं जाती तो आप मुझसे पूछते कि आप क्यों गई, तब मैं आपको बता सकती, पर कोई क्यों जा रहा है, कोई कहाँ क्यों मर रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है, उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती, मैं तो नहीं बता सकती हूँ कि दीपिका जी क्या क्या सोच के वहां गई है या क्या करना चाहती है। हर थिंकिंग एंड आई रिस्पेक्ट हर थिंकिंग, आई रिस्पेक्ट दैट कि हर किसी की अपनी वो प्रेशर में आके उसने वो नहीं किया कि अगर लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं ना जाऊं, उसको जो ठीक लगा उसने किया। आधे से ज्यादा लोग तो प्रेशर में आके चीजें नहीं करते, और मैं उन चीजों को बिलीव करती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ, चाहे मीडिया कुछ भी लिखे चाहे कुछ भी सोचे, मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। सो आई आई रिस्पेक्ट ऑल दोज लेडीज जिनकी स्ट्रांग थिंकिंग होती है। ओके, आप डेब्यू कर रही हैं सीरियल से, तो आप किस तरह से I've seen yesterday's episode, जिसमें BRP के बारे में पूछ रहे थे आपसे, your dad was asking you this, and I think जिनकी उम्र अब 40 है या 40 के पार है, for them online dating is something very new to them, because हम लोग तो we are involved into it like 20s, 30s, so इसमें जो इनकी वरुण सर आपसे भी पूछ रही हूँ मैं मैम, और आपसे भी कि ये जो ये अब आपको मजा आ रहा है इसमें कि यू आर लाइक रात भर सोए नहीं और अगले दिन बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा है कि सच में ये नए जनरेशन का है, कुछ चीजें तो मुझे पता ही नहीं थे जब हम लोग बना रहे थे ये, जब एपिसोड हम शूट कर रहे थे उसमें मुझे कहा कि ये आता है फिर आप नाम ले आपको टाइप करना है, तो ये डायरेक्ट कर रहा था उस वक्त, वो एपिसोड इसने डायरेक्ट किया हुआ था वरुण ने, तो वरुण को मैं पूछ रही थी वरुण डालते क्या है यार, कहते व्हाट्सएप जैसा डालते, मैंने कहा कुछ और हो, तो मतलब हमें यही नहीं पता था कि डेटिंग साइट में आप अपने डिटेल्स कैसे भरते हो, क्या आता है, फिर मेरे ख्याल से इसने या पता नहीं किसी ने किसी कोई एक रैंडम डेटिंग साइट जाके ढूंढ के उसे पहले डाउनलोड किया, फिर उसको एंटर करके देखा था कि डिटेल्स आती क्या है और आपको डालना क्या होता है, किया था। तो किसने किया था, किसी ने किया था, तो पता है, फिर ये आएंगे फिर आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, आपका थिंकिंग आएगा, आपका ये आएगा, आपका वो आएगा, बताते गए, मैं टाइप करते गई कि अब ये आएगा वो आएगा, आप ये टाइप करो वो टाइप करो, तो हम ये जो जनरेशन है इन्हें सच में नहीं पता डेटिंग साइट के बारे में। तो डू यू थिंक कि आपके ये ऑनलाइन रोमांस को देखकर कई लोगों के मन में अब ये यू नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आफ्टर 40s आल्सो कि दे कैन डू ऑनलाइन डेटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू थिंक सो, मींस दैट्स नॉट बैड, दैट्स जस्ट वेरी या बट वेरी डेंजरस एज वेल। गुनी दो बार धोखा खा चुकी थी उसी 18 लाख का भी खर्च, कितना बड़ा नुकसान हुआ था, और लोग तो वो 18 लाख तो फिर भी आ जाएंगे लाइफ में, पर कई किसी को तो फिजिकली और बाकी चीजों से भी नुकसान पहुंच सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेटिंग साइट जहां पर आप सीधा नहीं मिलते बंदे को ट्राई करो, बट कम्प्लीटली विश्वास ना करो, बिलीव ना करो, कॉशियस होकर चीजें करो, हर चीज में मुझे लगता है कि थोड़े से सावधान होकर करो तो ही अच्छा रहता है। आई बिलीव इन दैट। अंजलि, आप डेब्यू कर रही हैं इस सीरियल से, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ में आपकी पहली सीरियल इतना आ रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी आगे, क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने शो के लिए हाँ इसलिए किया था क्योंकि इतना अच्छा थॉट है शो का, इतना प्रोग्रेसिव कॉन्टेंट है हमारे शो का, एंड रही बात दो इतने बड़े एक्सपीरियंस वर्कर एक्टर्स के साथ काम करने की, आई थिंक मेरे लिए सी वी आर डूइंग 12-13 शिफ्ट, तो जरूरी है सही शब्द का इस्तेमाल निकल गया मेरे मुंह से, तो आई थिंक इट इज मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि दोनों से मुझे इतना चीजें सीखने को मिली है, आई थिंक बोलना बहुत आसान होता है कि हाँ एक्टिंग में ये होता है वो होता है, बट आई थिंक अगर आप जब रोज कर रहे हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप और कितनी न्यू चीजें कर सकते हैं, एंड दे बोथ आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, नॉट ओनली एक्टिंग, सबसे तो अभी मुझे सिंगिंग क्लासेस भी मिलना चालू हो गए, एंड इवन इनफैक्ट लाइफ लेसन्स ऑल्सो। आपको ये प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन कई यूथ हैं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं सीरियल पाने के लिए, कई लंबा समय हो गया उनको इंडस्ट्री में आने के लिए, छोटे पर्दे आने के लिए, तो उनको क्या मैसेज रहेगा क्योंकि आपने ये मुकाम पा लिया है कि आप काम कर रही हैं पर्दे के लिए? राइट, इट्स नॉट इजी, मैंने भी स्टार्टिंग में मेरे को 2 साल हो गए इंडस्ट्री में, एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में मैंने भी स्ट्रगल किया, देना है बिकॉज आई हैवंट गॉन टू एनी फिल्म स्कूल और मैंने कोई वर्कशॉप किए नहीं है, तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, आई स्टार्टेड विद एड्स, तो मैंने भी काफी ऐसे 5-5, 6-6 घंटे वेट करके ऑडिशन दिए हैं फॉर एड्स, एंड तब जाकर मुझे रियलाइज हो कि दिस इज ये वर्क करता है ये वर्क नहीं करता है, तो विद एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज, बट आई थिंक इफ यू कीप वर्किंग हार्ड यू विल अचीव इट,
आई नो बहुत स्ट्रगल है बिकॉज एक्टर्स इतने हैं बॉम्बे में दैट एवरी डे यू सी सो मेनी एक्टर्स बट आई थिंक इफ यू कीप वर्किंग हार्ड यू विल अचीव इट इट वॉज नॉट इजी फॉर मी लगता है आप लोगों को मुझे बहुत इजीली मिला इट्स नॉट मैंने भी काफी ऑडिशंस दिए हैं एंड आई थिंक इफ यू कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट जस्ट बी लॉयल टू योर वर्क डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड तो आई एम श्योर सबको काम मिलेगा वरुण जी आप एक सीरियल सभी निकला है कई फिल्मों में टीवी सीरियल पे आप आते हैं वेब सीरीज का जो भी दौर आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं बहुत बेहतरीन दौर है और अभी मुझे लगता है थोड़ी इंटेलिजेंस ज्यादा है लेकिन अभी जितने भी प्लेटफॉर्म्स में जो शोज आ रहे हैं कई तो शो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो प्लेटफॉर्म्स आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वही है सोडा की बोतल अभी खुली है तो बुलबुले जो है वो ऊपर तक आ रहे हैं थोड़ी देर में सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स